कैसा है आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लग चुके होंगे। और मैं भी अपने काम में लग चुका हूँ। मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह सुबह वॉकिंग पर निकला हुआ हूँ। दोस्तों, एक बात बताना चाहते हैं, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इस बात से कि हमें संचित करने की प्रवृत्ति से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जो संचित करने की प्रवृत्ति है ना, एक जगह इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है, उस इकट्ठा करने की प्रवृत्ति ने ही हमें जो है कि परेशान करके रखा है। जैसे देखें, मूली जो है कि अगर मूली जो है बहुत मोटी हो जाती है, उसको कोई पहले नहीं उखाड़ता है तो बीच से फट जाती है और बेकार हो जाती है। उसी तरह से जीवन में भी अगर आप जो है कि संचित करने की प्रवृत्ति रखते हैं तो रखते 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 आप भी फट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, मानसिक रूप से बेकार हो जाते हैं। तो बांटने की प्रवृत्ति रखें, संचित करने की प्रवृत्ति न रखें। और एक्चुअली दोस्तों, ये मेरे पीछे जो है कि कुछ खच्चर चरते हुए दिखाई दे रहे होंगे इस ब्लॉग में, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी बातें करता हूँ यहाँ पर, कुछ चीज़ें निकल करके खच्चरों के मालिक। और देखिए, मैं ईश्वर ने इनको बहुत ही हृष्ट पुष्ट रखा है, काफ़ी काम करते हैं ये लोग। तो मैंने पूछा कि जो ये खच्चर चर रहे हैं और आप लोग इसको पाल रहे हैं तो इसका क्या क्या उपयोग होता है? तो बेसिकली ये बताइए, आप थोड़ा सा हमको ये बताइए कि जैसे आपने इनको पाला है और पालने के बाद जो है कि, तो इसका क्या क्या उपयोग करते हैं स्पेशली आप लोग? क्या क्या करें, जैसे से जाएंगे खेती में, चाहे कहीं भी ऐसे ईटा उटा गिराएंगे या रहेंगे, खाएंगे और क्या करेंगे, कमाएंगे। तो मतलब कि जो लोग दिल्ली उल्ली जा करके रह रहे हैं और परेशान रहते हैं जा करके, उन अगर वो घर पर रह करके इनका पालन करें और ये भट्ठे वट्ठे में यूज करें तो उसका अच्छा खासा फायदा उनको भी हो सकता है ना? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, उसको प्रयोग करेगा तो होगा। हाँ। तो मतलब दोस्तों, ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये बता रहे थे लोग कि लगभग जब भट्ठा शुरू हो जाता है तो ये लोग अच्छा खासा कमाते हैं, लगभग जो है कि 1000 रुपीज के अराउंड जो है कि लोग कमा लेते हैं पर डे। और उसका फायदा जो है कि इनको मिलता है, घर पर अपने परिवार के साथ रहते हैं तो जो पलायन की प्रवृत्ति है शहरों की तरफ, उससे कोई भी काम देहातों में भी कम नहीं है। और इससे एक फायदा होता है कि श्रम करिए तो आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो दवा दारू से भी क्या रहेंगे, बचे रहेंगे। बस वो बारिश रात को हो गई और देखिए, यहाँ से पानी पूरा ये लग गया था, यहाँ भी पानी लग गया था। और यहाँ से अभी एक सज्जन जा रहे थे तो उनका यहाँ से पैर फिसला था और इस खेत में क्या हो गए, साइकिल लिए वो उलट गए थे। तो अभी हम लोग ला करके इसको काटे हैं पानी की, इधर पानी निकल जाए। और ये ट्रैक्टर वाले पूरा गड्ढा कर दिए हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि थोड़ा सा मिट्टी यहाँ गिरा करके इसको बराबर कर दें तब ले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो देहातों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हम लोग उसको मैनेजमेंट करते हैं। अब हो सकता है कि खेत वाला है तो कहे कि जो कि मेरे में पानी क्यों काट दिए हैं, कोई ये भी कह सकता है, लेकिन धान का समय है तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये जो है कि रंजू का काम इतना टफ है कि सुबह सुबह एकदम, देखिए अभी बैठ करके जो है कि ये जो है कि छिल रही हैं और देखिए ये नाश्ता काट दी है सुबह उठ करके। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है, दिन में टाइम ही नहीं मिल रहा है, थक जाते हैं तो मन नहीं, तो सुबह उठकर एकदम 5-6 बजे से बेचारे जो है कि, इसीलिए सबका ध्यान रखती हैं भाई ये इनका। और आलू भी उबाले हैं, पीपल के कसाई ने इनको दिए हैं, तुलसी के तो सब जो है कि सुबह सुबह इतना टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है किस तरह से, जो है ज्यादा झंझट हो जाता है तो बहुत मेहनत करती है। इसलिए इनके कार्य का कोई मतलब कि मैंने उसको हम लोग तुलना ही नहीं कर सकते हैं अपने कार्यों से, क्योंकि हमारे जो भी कार्य होते हैं वो इन्हीं के कार्य पर अवलंबित होते हैं, आधारित होते हैं दोस्तों। और शैलेंद्र सुबह सुबह तैयार हो गए हैं और अपने लिए जो है कि, और सबके लिए ये जो है कि तुलसी का देखिए अलग से बना रहे हैं, काढ़ा ओढ़ा की थोड़ा पियेंगे लोग सुबह सुबह। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. मजा आ गया, खुश हो गए सेवक लोग। तो ये आइए यहाँ पे राशन का ये पूरा मार्केट, आइए आप लोग को दिखाते हैं। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's
जो काटा ले चले हैं। अब तो आप खाना छोड़ दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे मोटे अनाज के आटे आपको मिल जाएंगे, देख सकते हो। अच्छा ये चौरट है क्या? पैसे के लिए इतना ही है। तो कौन कौन सा आटा लिए हैं? मड़ुआ लिए हैं। 11 बजे खोल चला जाना हो। मड़ुआ जौ और चावल का और आ? तो मम्मी आप क्या ले रही हैं? उड़द की दाल है ना, बाजरे का, मड़ुआ का आटा, जौ का आटा, बाजरा, चावल का आटा, मटर और धोई। तो ये दोस्तों ये जौ है, बार्ली इसको कहते हैं, ये मक्का है, आप मिर्च कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बाजरा हो गया, देखिए इस तरह से अलसी हो गया, तीसी इसको कहते हैं, सरसों, ये चीना है ना, टांगून, और ये आटा जो है किसका है, बाजरा का, जौ का, मक्के का दलिया, और ये चावल आटा हो गया, मड़ुआ का आटा हो गया, सत्तू, बेसन, काबुली मटर, काला चना और काला चना, मटर, सब कुछ यहाँ उपलब्ध, दाल, अरहर का दाल कैसे? ये क्या बन रहा है? ये दोस्तों ये देख रहे हैं क्या यार? रस रस है। रस जब पी लेंगे ना तो एकदम बस हो जाएंगे। तो ये क्या करें, रात का समय है, बताइए 8:30 हो गया है, खाना खा लिए हैं हम, लेकिन अब यही याद आया कि कल जो है कि इसकी जरूरत, अब भेजी है, नहीं डालेंगे पौधों में तो गड़बड़ हो जाएगा, रस पौधों में डालना है। मतलब है क्या ये दोस्तों? एक्चुअली रस नहीं है, ये है करुई खरी। करुई खरी जो है कि मैं यहाँ पर रखा हूँ, देखिए ये जो है इसमें है, कहाँ है, ये तो गोईठा है। उधर कहीं होगा है, लेकिन हमारे करुई खरी है, ऐसा लग रहा है कि सरल ने उसको सरल कर दिए हैं, तो उसको भिगो दिया गया 24 घंटे। देखिए इसमें जो है कि इतना लेंगे हम, इसमें से इतना ही लेंगे, ज्यादा नहीं, बस इतना, एक बाल्टी पानी इसमें लेंगे, डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसी को पूरे प्लांट में हो जाएगा, हाँ पूरे प्लांट्स में डालेंगे, यानी थोड़ा सा ही है, उसके बाद एक बाल्टी पानी और सारे प्लांट में डाल देंगे। ये इतना ज्यादा नाइट्रोजन का काम करेगा, यूरिया फेल, और इसीलिए मेरी लौकी इतनी हरी भरी हुई है, देखिए देख रहे हैं आप लोग। और अभी रात को डालना है, क्या करें, मजबूरी है, टाइम नहीं है, तो डालना पड़ेगा, थोड़ा इसमें पानी कमी और इसमें पानी ले लें। हाँ। दोस्तों यहाँ पर ये बैगन है, बैगन में पड़ रहा है, थोड़ा ये भी बैगन है, ये टमाटर है, टमाटर तो बहुत सेवा की है हम लोग, लेकिन अभी मेवा में इसमें दिक्कत है, असर नहीं दिखा है, इसलिए कि बारिश इतनी हो गई है दोस्तों, तो फिर इसको ऊपर से नीचे लाए, इसको छाया दे रहे हैं, कि छाया में जो है कि फिर धीरे धीरे में भी सुधर जाए। हाँ देखते हैं,